आदाब ही आईपीटीवी, सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका तभी आईपी टीवी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी आईपीएल 2020 के लिए सभी टीमें जिन खिलाड़ियों को अपने टीम में नहीं रखना है उन्हें रिलीज कर रही है। और दोस्तों, बड़े दुख की बात तो ये थी कि भारत को वर्ल्ड कप जीतने वाले स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह को भी मुंबई इंडियंस से बाहर कर दिया है। आपको बता दें, पिछले साल मुंबई ने युवराज सिंह को 1 करोड़ में खरीदा था। दोस्तों, अगर आप युवराज सिंह को आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मुंबई इंडियंस ने युवराज सिंह को अपनी टीम से बाहर कर दिया, वैसे ही कोलकाता की टीम ने भी अपने एक खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, जैसे ही कोलकाता की टीम ने इस खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर निकाला तो इस खिलाड़ी ने 3 दिन बाद गुस्से में ऐसी पारी खेल दी जिसे देखकर केकेआर की टीम अब पछता रही है। दोस्तों, वह खिलाड़ी कोई और नहीं, ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज क्रिस लिन है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं क्रिस लिन ने कोलकाता को अपने विस्फोटक पारी के दम पर कई मैच जिताए हैं, फिर भी कोलकाता ने उन्हें अपनी टीम से निकाल दिया। इसलिए गुस्से में आकर क्रिस लिन ने अबू धाबी में चल रही T10 लीग में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। मराठा अरेबियंस की ओर से खेलते हुए लिन ने 30 गेंद में 9 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 91 रन बनाए। यह T10 लीग में किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है। लिन ने मैदान पर उतरते ही टीम अबू धाबी के खिलाफ चौके छक्कों की बारिश कर दी। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर चौका लगा दिया था। साथ ही सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजाई 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन लिन ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने केवल 18 गेंद में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने चौका लगाकर 50 रन का आंकड़ा पार किया। इसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी में कोई ढील नहीं आई। अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने अगले ही ओवर में 24 रन बटोरे। हैरी गर्नी के ओवर में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के उड़ाए। लिन के पास शतक बनाने का सुनहरा मौका था, लेकिन आखिरी ओवरों में उन्हें स्ट्राइक पर आने का मौका कम मिला। लिन ने चौका लगाकर पारी का अंत किया। अब क्रिस लिन के इस धमाकेदार पारी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट की परेशानी बढ़ा दी है। केकेआर ने आईपीएल 2020 बोली से पहले लिन को रिलीज कर दिया था। दोस्तों, क्रिस लिन को आईपीएल 2018 से पहले केकेआर ने 9.6 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदा था। उन्हें खरीदने के लिए कई टीमों के बीच होड़ थी, लेकिन बाजी केकेआर ने मारी थी।